जय जिनेन फ्रेंड्स, रितु की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे बंगाल की फेमस मिठाई मलाई सैंडविच। इसे हम एकदम हलवाई स्टाइल में बनाएंगे। ये देखिए, एकदम होटल जैसी सेम लग रही है ना, बिल्कुल होटल जैसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना मलाई सैंडविच। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे, उसके लिए हमने 1 कप शक्कर लिया है और इसमें हम 3 कप पानी डालेंगे। अब इसे गैस पे चढ़ा देंगे। अब हमें शक्कर घुलते तक के इसे गरम करना है। मलाई सैंडविच के लिए हमने 1 किलो दूध का छेना लिया है। ये देखिए, छेने में बिल्कुल भी पानी नहीं है, छेना एकदम ड्राई है। इसे अब हम ऐसे हाथ से, ये हथेली से ऐसे अच्छे से मस लेंगे 5 मिनट तक। मिठाई के लिए, मलाई सैंडविच के लिए हमें छेना कैसा चाहिए, किस तरीके से हम इसे बनाएंगे, अगर ये आपको जानना है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं। ये देखिए, 5 मिनट हो गए हैं हमें छेना को मसलते हुए। अब हम इसमें एकदम 1 पिंच बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये बस इतना ही। अगर ज़्यादा होगा तो फिर हमारे सैंडविच फट जाएंगे। अब इसे हम अच्छे तरीके से 5 मिनट फिर मस लेंगे। इसका एक 2 टाइप से तैयार करना है हमें। ये देखिए, हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसके स्क्वायर शेप में ऐसे पेड़े बनाएंगे। ये इस तरीके से ऐसे हाथ से करके, ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से हमने सारे पेड़े बना के तैयार करने हैं। तो देखिए, ये इस तरीके से स्क्वायर शेप में हमारे पूरे रसगुल्ले बन के तैयार हो। तो हमने टोटल 12 पीस तैयार किए हैं। ये देखिए, अब हम चलते हैं चाशनी की तरफ। देखिए, हमारा शक्कर पूरा घुल चुका है, अब चाशनी में उबाल आएगा। हमेशा रसगुल्ला पकाना है तो वो हमेशा झाग में ही पकना चाहिए। तो उसके लिए या तो हम रीठा यूज़ करते हैं, रीठे को आप तोड़ के बीज निकाल के और 2 घंटे के लिए भिगा दें, उसका पानी डालें, और नहीं तो फिर मैदे का, तो हमने 1 TSP मैदा लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसका घोल तैयार कर लिया है। इससे भी झाग आ जाएगा। बस इतना फ़र्क रहता है कि रीठे से बनाया हुआ चाशनी हम वापस उपयोग में ला सकते हैं और मैदे से बना हुआ चाशनी वापस उपयोग में नहीं आता। ये देखिए, अब हम इसे चाशनी में इस घोल को डाल देंगे और ढक लगा के इसमें झाग आने देंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये देखिए, हमारी चाशनी में बहुत अच्छा झाग आ गया है। अब हम इसमें इसे फुल फ्लेम में ही रहने दें और ऐसे उबाल आते हुए में हमें ये इन रसगुल्लों को डालना है। हमने सारे रसगुल्ले डाल दिए हैं, अब इसे ढक लगा के 5 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट तक इसे छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। 5 मिनट हो गए हैं, हम देखते हैं हमारे रसगुल्लों को। ये देखिए, हमारे रसगुल्ले फूल के डबल हो गए हैं। बस एक बार हमें इसे हिलाना है
और इसे वापस हम 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारे सैंडविच तैयार हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे। इसे हमने कुल 15 मिनट पकाया है, गैस की फ्लेम के ऊपर भी रहता है, आप देख लीजिए ये 15 से 20 मिनट के अंदर बनके रेडी हो जाता है। इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, इसे बहुत अच्छे से ठंडा होने देंगे जब तक हम इसकी मलाई तैयार करते हैं। तो चलिए मलाई बनाते हैं। मलाई के लिए हम 1 कप खोआ लिए हैं, इसे हल्का सा गरम करना है बस, ये गीला होते तक के। और इसमें हम 7 TSP शक्कर डालेंगे, ये पीसी शक्कर है। ये देखिए हमारा खोआ नरम हो गया है, अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। आप फूड कलर अपनी इच्छा से जो भी आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं, मैं अभी ब्लू कलर का फूड कलर डाल रही हूँ इसमें। बस हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और गैस को हम ऑफ कर देंगे। ये देखिए हमारी मलाई ठंडी हो गई है, लेकिन ये थोड़ा सा कड़ा लग रहा है, तो इसमें हल्का सा 2 बूंद दूध डाल के इसे हम मिक्सी में एक बार चला लेंगे, उससे ये थोड़े बहुत जो दाने दाने भी दिख रहे हैं वो एकदम प्लेन आ जाएगा। ये देखिए हमारे रसगुल्ले ठंडे हो गए हैं, अब हम इन्हें चाशनी से निकाल के तरीके से निकालेंगे, सारे रसगुल्लों को एक प्लेट में ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें सारे रसगुल्लों को बीच से ऐसे कट करना है। देखिए आपको पास से दिखाती हूँ हमारे रसगुल्लों में कितनी अच्छी जाली आई है, ये देखिए कितने अच्छे स्पंजी बने हैं, सॉफ्ट है एकदम। इसी तरीके से सारे रसगुल्लों को हमें कट करना है। हमारे सारे रसगुल्ले तैयार हैं, अब हम इसमें बीच में इसकी फिलिंग करेंगे, ये जो हमने मलाई तैयार किया है इसे हम रसगुल्लों में लगाएंगे। इस तरीके से सारे रसगुल्लों में हम मलाई बीच में ऐड करेंगे और साइड से इसे इस तरीके से, ये देखिए ये इस तरीके से हम सारे हमें भर के तैयार करने हैं। ये हमने सभी सैंडविच तैयार कर लिए हैं भर के, अब हम इसके ऊपर ये पाइपिंग बैग में नोज़ल लगा के और बस फ्लावर बनाएंगे। हम वही मलाई है जिसका हमने फिलिंग किया है उसी मलाई से हम इसे ऊपर में इस टाइप फ्लावर बनाएंगे। ये हमने सारे बनाकर रेडी कर दिए हैं, अब हमें इस पिस्ते से इसे डेकोरेट करेंगे। ये हमारे सारे मलाई सैंडविच बनके तैयार हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।